शहर के सुत मार्केट के इलाके में डुप्लीकेट चाबी से ताला खोलकर होलसेल दुकान से करीब 2,24,000 का माल चोरी करने की घटना सामने आई। 16 अक्टूबर की रात हुई चोरी में नगद रुपए के साथ दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे डीवीआर भी चोरी कर लिए गए हैं। इस मामले को अंजाम देते हुए तहसील पुलिस ने चोरी में शामिल 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 1,36,000 रुपये का माल भी जब्त किया। पकड़े गए आरोपी आहूजा नगर निवासी दीपक सुंदरलाल मथान, राजापेट गोविंद नगर निवासी रविंद्र आड़तड़िया और सिंधु नगर निवासी मनीष पारवानी है। पुलिस ने आरोपियों के पास से चोरी किए रुपयों में से 46,000 रुपयों के साथ चोरी में इस्तेमाल किए 2 होंडा बाइक और 4 मोबाइल फोन समेत कुल 1,36,000 रुपये का माल जब्त किया है। जानकारी के अनुसार कुकरेजा नगर निवासी दिनेश जेठानंद परयानी की सूत मार्केट आजाद चौक के सामने देव क्रिएशन नाम की सलवार सूट की होलसेल दुकान है। 16 अक्टूबर की रात दुकान को ताला लगाकर दिनेश घर चले गए। रात को तीनों आरोपियों ने मिलकर डुप्लीकेट चाबी से ताला खोला और दुकान में से नकदी 2,04,000 रुपये के साथ 20,000 रुपये का सीसीटीवी कैमरा डीवीआर चोरी कर लिया। 17 अक्टूबर सुबह दिनेश के हाथों दुकान शुरू करने पर चोरी की बात सामने आई। दिनेश ने दी जानकारी के अनुसार पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धारा के तहत अपराध दर्ज किया है। गांधी बाग तहसील येथील सूट मार्केट मध्ये देव क्रिएशन नावाचं दिनेश जटानंद परियानी यांचं होलसेल कापडचं दुकान आहे। दिनांक 16/10/2020 ते 17/10/2020 रात्री सदर दुकानाकडून चोरी झाली होती। त्यामध्ये जवळपास 2,04,000 रुपयाचा माल आणि 20,000 रुपयाचा विषया असे अज्ञात चोरांनी चोरून नेले होते। त्यावरून पोलीस स्टेशन तहसील येथे अपराध नंबर 544/21 कलम 454 457 380 भादवली नोंद होता। सदर गुन्ह्याचा तपास आम्ही PSI वाघ ASI दुबे यांना दिला आणि तपासाची चक्रे फिरवली असता आमच्या तपास पथकाने जरीपटका येथील दीपक सुंदरलाल मनवा वय 40 वर्ष या इसमाला ताब्यात घेतले व त्या इसमाला ताब्यात घेतल्यानंतर त्यांनी आपले अन्य 2 साथीदारासोबत चोरी केल्याचे कबूल केले। त्याचे 2 अन्य साथीदार त्यापैकी एक मनीष हरीश पारवानी व 29 वर्ष राहणार सिंधू नगर अमरावती तसंच दुसरा रवींद्र जमतीलाल अडतानी वय 35 वर्ष राहणार राजापेठ अमरावती हे आहेत। त्यापैकी जो मुख्य आरोपी आहे दीपक सुंदरलाल मनवा हा अनेक वर्षापासून फिर्यादीच्या दुकानात नोकर म्हणून कामास होता आणि फिर्यादीला त्याची चालचलन त्याची वागणूक ठीक नसल्याने फिर्यादीने त्याला 2-3 महिन्यापासून कामावरून काढलेले होते। तपासामध्ये ही बाब आम्हाला माहिती झाल्याने आम्ही सर्वप्रथम यातील मुख्य आरोपी दीपक सुंदरलाल मनवा याच्यावर टार्गेट केले होते आणि तो आरोपी मिळाल्यामुळे नंतर संपूर्ण गुन्हा उघडकीस आला। आरोपीकडून आतापर्यंत रोख रक्कम 2 वाहने 4 मोबाईल अशा प्रकारे 1,36,000 रुपयाचा माल जप्त करण्यात आलेला आहे आणि आरोपी सध्या विद्यमान न्यायालयाने PCR दिलेला आहे। तपासामध्ये सुद्धा पुन्हा नवीन गोष्टी उघडकीस येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही। यह कार्रवाई पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार, पुलिस उपायुक्त लोहित मतानी, परिमंडल क्रमांक 3 के मार्गदर्शन पर पुलिस निरीक्षक जयेश भंडारकर और पुलिस निरीक्षक दिलीप सागर द्वारा की गई। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ दीपिका धनेश्वर, NBCN न्यूज़ नागपुर।